हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है, इसको अगर आपने पूरा कवर कर लिया, पूरा अच्छे से तरह से तैयार कर लिया, तो आपके फिजिक्स में 70 में 70 नंबर आसानी से आप कन्फर्म कर पाएंगे। ठीक है, 70 नंबर का आपका फिजिक्स का पेपर होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल के आपको मिलते हैं। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 50 सबसे महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिनसे क्या होता है, बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता है। इन्हीं 50 क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम का पूरा पेपर पड़ता है। तो अगर आपने बस इतना तैयार कर लिया, ठीक है, अगर आपने बस इतना तैयार कर लिया तो आपका पेपर पूरी तरह से कन्फर्म हो जाएगा और आप सारा पेपर आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हमने मॉडल पेपर से, प्रीवियस ईयर पेपर से ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर ले चैप्टर फर्स्ट, जो कि है आपका विद्युत। ठीक है, विद्युत से पूछता है विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, विद्युत आवेश क्या होता है, इसकी परिभाषा बताइए। 1 से 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1 से 2 नंबर में आपका विद्युत आवेश क्या होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको विद्युत आवेश क्या होता है अच्छे से तैयार कर लेना। फिर आता है आपका रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो आपको क्या करना होगा, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा बतानी होगी और क्या बताना होगा, इसका फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ये क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। आपको क्या करना होगा, इसकी परिभाषा, इसका मात्रक और इसका फॉर्मूला पूरा बताना होगा। आपको 1 से 2 नंबर आसानी से कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आपको क्या करना है, इसका फिगर बना के पूरा पूरी डेफिनेशन आपको बतानी रहेगी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है, ये भी आपको बताना रहेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 2 नंबर में आपका पूछा जाता है। ठीक है, फिर बात आती है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, ये भी आपको बताना रहेगा कि कूलाम का नियम क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। एफ इज इक्वल टू 1/4π ε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होता है, आपका कूलाम का नियम होता है, और कूलाम को नियम को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इससे बेस्ट क्या होते हैं, न्यूमेरिकल भी इस फॉर्मूले से बेस्ट आते हैं, तो आपको अच्छी तरह से कूलाम का नियम तैयार कर लेना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की पहले तो परिभाषा पूछी जाती है, फिर क्या करता है, कभी कभी आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए, तथा विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी आ जाता है। ठीक है, डेरिवेशन आता है आपका, ठीक है, डेरिवेशन आपका आ जाता है 5 नंबर पर। ठीक है, 5 नंबर का आपका डेरिवेशन आ जाता है, या तो अच्छी स्थिति के लिए आ जाएगा, या फिर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये 5 नंबर में आपका आ जाता है। ठीक है, परिभाषा भी पूछ लेता है और डेरिवेशन भी साथ में आ जाता है। 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति के लिए डेरिवेशन अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ताकि आपसे 1 नंबर भी इसके ना कटे अगर ये पेपर में आ जाए तो। ठीक है, अब आपका आता है गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस की प्रमेय क्या होती है, ठीक है, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो ये आपकी गॉस की प्रमेय होती है। गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं उससे भी डेरिवेशन काफी पूछे जाते हैं, तो गॉस की प्रमेय भी आपको तैयार कर लेनी है, और गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं वो भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, गॉस की प्रमेय को कूलाम के नियम से सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, आपकी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है, 1 से 2 नंबर में आपका पूछा जाता है कि वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, 1 से 2 नंबर में इसकी परिभाषा पूछ लेगा और आपको क्या करना है, वैद्युत विभव का फॉर्मूला, मात्रक, ये सब करके बताना है। आपको 1 से 2 नंबर आसानी से कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर पूछता है परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, ये भी आपको बताना रहता है। ठीक है, फिर बात आती है समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसकी भी परिभाषा आपको बतानी रहेगी कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, चित्र बना के भी आपको दिखाना है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। ठीक, फिर बात आती है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव आपका हो चुका है, तो वैद्युत विभव से बेस्ड क्या आते हैं, डेरिवेशन आपके आते हैं। ठीक है, वैद्युत विभव से बेस्ड डेरिवेशन पूछे जाते हैं, जैसे कि
वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण विभव बताइए, या फिर वैद्युत द्विध्रुव की निरच्छी स्थिति के कारण विभव बताइए, ठीक है। या फिर कैसे आता है, वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आ जाता है, या फिर वैद्युत विभव की परिभाषा पूछ लेगा और वैद्युत विभव की निरच्छी स्थिति के कारण विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 5 नंबर में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। अब बात आती है अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है, विभव प्रवणता की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और इसका मात्रक आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। विभव प्रवणता पे संबंध भी आ जाता है, तो ये आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है आपका, ठीक। फिर बात आती है किरचॉफ का नियम, ठीक। किरचॉफ का नियम क्या होता है, ठीक है, तो आपको किरचॉफ के दोनों नियम अच्छी तरह से तैयार कर लेने, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम, ये आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर बात आती है अनुगमन वेग, ठीक है। अनुगमन वेग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। 2 से 3 नंबर का आपका अनुगमन वेग पूछता है, और अनुगमन वेग पर डेरिवेशन भी आपका बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फिर बात आती है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत और क्रियाविधि आपको बतानी रहेगी, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत और क्रियाविधि आपको बतानी रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। फिर बात आती है धारा घनत्व, ठीक है। धारा घनत्व क्या होता है, ये आपको तैयार कर लेना है, और कभी कभी क्या पूछता है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध बताइए, ठीक है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आसानी से इसको भी तैयार कर लेना है। धारा घनत्व का आपको क्या बताना होगा, डेफिनेशन, और इसका फॉर्मूला होता है J = I/A, ठीक। ये होता है धारा घनत्व का फॉर्मूला, आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। फिर बात आती मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। फिर बात आती है चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर से आपका लारेंज बल, लारेंज बल क्या होता है, लारेंज बल पर डेरिवेशन भी काफी पूछा जाता है, तो लारेंज बल और लारेंज बल के आधार पर व्यंजक ज्ञात करना भी आप कर लेना, ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 से 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। और बायो सेवर्ट नियम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, ये आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर बात आती है क्यूरी का नियम, ठीक है। क्यूरी का नियम और क्यूरी ताप क्यूरी का नियम और क्यूरी ताप क्या होता है, ये आपकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो आपको बताना होगा, ठीक है। और क्यूरी के नियम का जो क्यूरी ताप है वो लौह चुंबकीय पदार्थ पे होता है, तो आपको क्या करना है, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, ठीक, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पे अंतर भी आपको अच्छी तरह से देख लेना है, उसी पे आपका बेस क्यूरी ताप आता है, ठीक है। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक है। एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, इसका व्यंजक आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। एम्पियर का परिपथी नियम भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से तैयार कर लेना, प्रीवियस ईयर पेपर में देख लेना, ये बहुत ही ज्यादा बार और हर साल बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आता है, ठीक है, तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बायो सेवर्ट नियम, एम्पियर का परिपथी नियम, इनको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर बात आती है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स, इस चुंबकीय फ्लक्स को तैयार कर लेना, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, सब कुछ अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। फिर बात आती है स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक, परिभाषा, मात्रक और इसका फॉर्मूला अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। फिर बात आती है फैराडे का नियम, ठीक है, फैराडे का दाएं हाथ का नियम, फैराडे के नियम अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। दाएं हाथ की हथेली का नियम, अंगूठे का नियम, ये सब आपको तैयार कर लेना, ठीक है। फिर बात आती है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ठीक है। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैराडे के नियम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। फिर बात आती है लेंज का नियम क्या होता है, ठीक है। लेंज का नियम सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होता है, ठीक है। लेंज का नियम भी आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। अगली बात आती है ट्रांसफार्मर की, ठीक है। ट्रांसफार्मर का क्या होता है, ट्रांसफार्मर का कार्य, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, क्रियाविधि, ट्रांसफार्मर का फिगर, आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ट्रांसफार्मर भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ज़्यादातर हर साल ये पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर पे आप चेक कर लेना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म तरंगे क्या होती है। ठीक है, सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं ये भी आपको बताना रहेगा, और पराबैंगनी तरंगे क्या होती हैं ये भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, ज़्यादातर आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। फिर बात आती है आपकी एक्स किरणें क्या हैं, एक्स किरणें के गुण क्या होते हैं ये आप अच्छे से तैयार कर लेना, आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया। ठीक है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ठीक है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है, फिर पूछा जाता है लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए, लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, चाहे आपका अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस, दो में से एक आपका आएगा ज़रूर, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। और लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है ये भी आता है आपका। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल भी लेंस वाले से काफ़ी पूछे जाते हैं, इनके न्यूमेरिकल भी आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है, फिर बात आती है आपकी दृष्टि दोष की, निकट दृष्टि दोष बताइए, कारण तथा निवारण बताइए, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, कारण तथा निवारण बताना होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर आता है आपका क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण क्या होता है ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कैसे होती है ये आपको बताना है। ठीक है, आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र, प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, इसका व्यंजक निकालने के लिए आ जाता है, इसका डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए इसका डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 से 8 नंबर का या 10 नंबर का इसका डेरिवेशन आता है। ठीक है, फिर बात आती है खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इसमें बेस्ट डेरिवेशन आता है वो भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर बात आती है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी के लिए सूत्र ज्ञात करना। ठीक है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी के लिए सूत्र ज्ञात करना, ये डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत। ठीक है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, हर साल या तो ये पूछा जाता है हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, या फिर हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या अपवर्तन के लिए डेरिवेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका डेरिवेशन आ जाता है, या फिर हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पूछ लेता है। ठीक है, दो में से एक आपका पेपर में आएगा जरूर, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है, फिर बात आती है प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण की शर्तें। ठीक है, ये चीजें आप की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर 1 से 2 नंबर में तो आपकी आती प्रकाश का व्यतिकरण बताइए। ठीक है, और व्यतिकरण की शर्तें। ठीक, और कला सम्मत स्रोत क्या होती है। ठीक है, कला सम्मत स्रोत क्या होती है, 1 से 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर क्या आता है फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पतली एकल झिर्री के लिए विवर्तन प्रारूप के लिए आपको व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, पतली झिर्री के लिए विवर्तन प्रारूप क्या होता है इसके लिए व्यंजक ज्ञात करना है, 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर बात आती है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम बताइए। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम क्या होता है ये भी आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इस पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में आपका आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर पूछ लेता है आपका डी ब्रोगली तरंग का समीकरण, डी ब्रोगली तरंग का समीकरण बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए, लॉन्ग टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। ठीक है, फिर बात आती है बोहर की परिकल्पना, बोहर की परिकल्पना बताइए तथा उनकी सीमाएं लिखिए। ठीक है, बोहर की परिकल्पना और सीमाएं भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है, फिर बात आती है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी अच्छी तरह से तैयार कर लेना। फिर बात आती सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएन संधि डायोड अर्धकारी तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ज़्यादातर ये लोगों को तैयार नहीं होता है, ये पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ज़्यादातर लोग इसी में फंस जाते हैं, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी। ठीक है,
तो ये थे 12th फिजिक्स के 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो बोर्ड एग्जाम आपका होगा और 70 में 70 नंबर आप आसानी से कंफर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।